अतः नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, सारे मुल्क आज COVID-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर बेहद परेशान है। कहीं जानी नुकसान हो रहा है तो कहीं माली नुकसान हो रहा है। सबसे बढ़कर जानी नुकसान जो हो रहा है उनके खानदानों का हाल बुरा है, और इसी के चलते इस COVID-19 को जो लॉकडाउन के ये किया गया और 3 मई तक जो लॉकडाउन है, सारा मुल्क खुसूसन गरीब अफराद का हाल बेहाल है। वो ना कुछ कह पा रहे हैं ना कुछ सह पा रहे हैं। अपने घरों के हालात बहुत ही बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सारे मुल्क, हमारी रियासत कर्नाटक हो या खुसूसन हमारे शहर मैसूर जिसे सरजमीन टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर है, मैं ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या मीडियम क्लास का हो, अपने घर के साथ साथ वो सारे शहर की फिक्र लेकर चल रहा है। अपने दिल में सिर्फ मुसलमान या हिंदू या ईसाई भाई नहीं, तमाम के दिलों में ये जज्बा है कि इंसान को इंसान की मदद करें, क्योंकि गरीबी या भूख का कोई मजहब नहीं होता। वो मजहब पूछ कर भूख नहीं लगती या मजहब पूछ कर कोई गरीबी नहीं आती। यानी इंसान को आज जो गिजा की जरूरत है उसको लेकर बेहद कोशिशें जारी हैं। आप जैसा कि जानते हैं, अपने अपने तौर पर हर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर आते हुए अपने अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि पुलिस की जानिब से रिस्ट्रिक्शन है, आने जाने के लिए रास्ते बंद हैं, इसके बावजूद लोग बिना खौफ अपने काम को पुलिस से बताकर कि भाई हम फलां जगह जा रहे हैं, इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस जज्बे को हमारा न्यूज चैनल के सलाम है। और मैं आज यहाँ पे एक मस्जिद अकबरी, जो हलीम नगर की एक मारूफ कमेटी है, एक बहुत खदीम मस्जिद है, वहाँ के कमेटी वाले आए हैं, उनसे बात करने वाला हूँ। उनका ये कहना है कि हमारी कमेटी में जो भी हमारे पास जो भी रकम मौजूद है, हम ये फैसला किए हुए हैं कि इसको बिना तफरीक मजहब मिलत खर्च किया जाए। अब मजीद मालूम के लिए उसी कमेटी के जिम्मेदार यानी सेक्रेटरी साहब से बात करने जा रहा हूँ, आइए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल जब्बार, जॉइंट सेक्रेटरी मस्जिद अकबरी जी, हलीम नगर की कमेटी का हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी। बिल्कुल, हालात देखे COVID-19 जो इंसानों को बहुत परेशान कर रहा है, यानी कि लॉकडाउन के बावजूद बहुत सारे हमारे स्लम एरिया है उसके अंदर गरीब है जो काम काज से बेकार हो गया। इसके वास्ते पूरी कमेटी के ऊपर, मोहल्ले वाले, तुम्हें भी कमेटी वाले कहते भी करो, सोचो ये हालात के ऊपर तुम्हें नहीं सोचो तो कब सोचतेंगे। हमें ना भी इस कौम की और हर इंसान की, हर फर्द की इंसानियत के नाते हम ना फिक्र हुई, फिक्र होने के बावजूद हमें क्या करेगा बोले, तो ये बात सदर साहब को, सेक्रेटरी को, कमेटी के जिम्मेदार उनको उन्होंने बुलाए, मोहल्ले के नौजवान बुला को, मोहल्ले के नौजवान क्या करें, दरख्वास्त करें पूरे मोहल्ले का, तुम्हें लोग सोचना क्या है, सब ये बात करना हम लोग, तब हमें क्या सोचेंगे, तो हमें इस मोहल्ले से बढ़कर नहीं देते, मोहल्ले की कमेटी को तो मोहल्ले वाले बना कर रहते। इस वास्ते हमें क्या करें, अगर बोला तो अच्छा हमें वक्त दियो कि अगर बोले तो अल्हास तनवीर सेठ साहब के बहुत सारे अनगिनत एहसाना थे जिसे हमें कभी भुला नहीं सकते मोहल्ले के ऊपर, एक बात उनसे भी हमें कर लेती कर को, उसके वास्ते क्या करेगा, तो हमें अब्दुल खादर शाहिद साहब को से आप हमें मशवरा करें। अब ये क्या है सब बोलोगे, मैं साहब का क्या भी नहीं भी साहब है ना, बोल को ही तुम्हें लोग करो और बोल, फिर भी हमें क्या करो, तो साहब से भी दरख्वास्त करती हमारे मोहल्ले के वास्ते साहब भी कुछ फिक्र कर दो, हमारा भी कुछ ख्याल करें, आज तक बहुत सारी फिक्र कर ले का वही, ये हालात के वास्ते हमें साहब से दरख्वास्त करती तनवीर सेठ साहब से कि इसके बारे में भी हमारे वास्ते कुछ फिक्र करें दें। मगर हमारी कमेटी में बिल्कुल हालात कम होने के बावजूद भी हमारी कमेटी की जो इनकम है हमारे इदारे के वास्ते बस नहीं आती, एक बार खुद परेशान रहती, फिर भी उसके बावजूद भी हमें क्या करेंगे बोले तो एक 2 लाख की रकम कार्ड को कमेटी की जानिब से क्या करेंगे को बोले तो जिम्मेदारों को देखेंगे, यानी कि जो चीज बांटना कर को इरादा कर को इरादा करो इरादे के वास्ते हमें पूरा करने के वास्ते तो चेक के थ्रू आप निकाले, चेक के थ्रू 2 लाख बताइए, चेक के थ्रू कैमरे को बताइए, चेक के थ्रू 2 लाख रुपए हमें क्या करें जी, कार्ड को ही हमें, अच्छा इसी मकसद को लेकर, इसी मकसद को लेकर जी, और वो 2 लाख रुपए काटने के बावजूद इसके बाद नौजवाना जिम्मेदार ने मस्जिद सभी अपनी अपनी ताकत से जो भी बनता है वो सब देने के वास्ते तैयार है, तो एक मकसद लेकर आगे बढ़ गई, बढ़ गई और पूरा मोहल्ला इसका साथ दे रहा है, मोहल्ले की परेशानी को देखो मोहल्ले के नौजवाना साथ दे रही, मोहल्ले के नौजवान के जज्बे को देखो मोहल्ले वाले साथ दे रही, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हलीम नगर एक बहुत खदीम और ज्यादातर गरीब लोग हैं, मजबूरी ज्यादा है,
है और हमारे नौजवान मोहल्ले के जिम्मेदार जो बेड़ा उठा मुझे तो पूरा मोहल्ला खुश है। अभी हम देखो नहीं मगर बहुत लंबा सिलसिला ये पैसा का है। तो ये नौजवान जो मामूली कमाई वाले हैं वो भी आपका साथ दे रहे हैं, जज्बा है उनके अंदर और भी जो जो अपने हाथ से होता है वो बनता है, जो देना चाह रही हूँ दे रही, यानी कि जिसकी ताकत कहती है उतनी देने के वास्ते वो तैयार ही हूँ। कोई 10,000 दे रही, कोई 1,000 दे रही, कोई 5,000 दे रही, कोई 50,000 दे रही, जैसा जैसा उनका जज्बा है वैसा दे रही। हमें सब चीज ले को जो आता और हम पूरी बंटवारा मिला को हम अब्दुल खादिर शाहिद साहब जिला को बात करी, उन्होंने भी दे तुंगर को बोली, खादर सेठ साहब ने बात करी, उन्होंने भी हमारे कदीम बुजुर्ग मोहल्ले के बहुत करीबी आदमी, उन्होंने भी दे तुंगर को बोली, तनवीर सेठ साहब से भी हमें इजाजत लेती, इदारे के पैसे में हमें दे रही, हमें क्या गलती कर रही थी और ना हमें हमारे पास कुछ खर्च कर रही। जो कुछ है आज के हालात के ऊपर मजबूरी के ऊपर हमें कदम उठा हुए, अल्लाह का नाम ले को हमें गरीब पहले तो अल्लाह है, बस जो भी है तनवीर सेठ साहब से हमारी दरखास्त है हमारे काम को कबूल करना और हमारे काम को है ना तुम्हें है ना इसे मोहब्बत से समझ को है ना हम ना लोगों को जो भी तुम्हें मशवरा देना चाहते हैं उसके वास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल, आइए अब सदर साहब से बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम इम्तियाज पाशा। जी आप सदर हैं कमेटी? अलीम नगर का सदर कमेटी का। अच्छा, वहाँ के कितने घर आए वहाँ पे? 850 घर आए पूरे तौर। जी 850 घर के अंदर जी हमारे 2,00,000 में मसला हल होने वाला नहीं है। जी हाँ, कम से कम 10,00,000 का मसला है। तो कैसा करने वाले हैं ये 10,00,000 के मसले के वास्ते हमें क्या सोचेंगे को बोले तो हमारी कमेटी से इदारे से 2,00,000 रुपए देखो ही और हम दूसरे मोहल्ले के नौजवान मोहल्ले वाले भी इसमें साथ देने वाले हैं, इसमें कुछ ना कुछ हमें भी हिस्सा लेते हैं को बोल को ही नौजवान साथी हम भी और हमारा भाई से भी इसमें ज़रा मदद मिलती है को बोल को हमारा भरोसा है। सेठ साहब भी इसके अंदर हम ना बोल को ही क्या होना करो को बोल को और सेठ साहब भी हमारे वास्ते इसके वास्ते ताउन फरमाती है हमें ये गैर फमा को बंदे हमारे आदमियों का मसला नहीं है पूरे अंग मिला को 850 घर के अंदर हमारे आदमियों में हर फमा में यही सलम एरिया में उनको पूरे अंग मिला को देना करो हमें सोच को ही। सदर साहब आप जैसा फिक्र कर रहे हैं जैसा कि 10,00,000 की जरूरत है 2,00,000 रुपए आप अलहमदिल्ला करेंगे और आपके साथ ये जो खड़े हुए तमाम नौजवानों के साथ मोहल्ले में भी मौजूद है। मेरा सवाल आपसे, मैसूर में ऐसी कई कमेटियाँ हैं जो ये काम कर सकती हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ उनको बोले तो इंशाल्लाह हमारे इदारे से भी बड़े बड़े इदारे हैं, इदारे वाले सब उनकी जगह ऊपर ही ये टेम्पो उन सब आगे बढ़ को खत्म चढ़ा को खत्म बढ़ा को सामने ये चीज़ हमें हिस्सा लेना, कहाँ गरीब आई क्या ही इदारे तो अल्लाह के फजल से अच्छे से चल रही लेकिन इदारे में बहुत बड़ा पैसा है लेकिन ये वक्त में उन्होंने खर्च करना लेकिन हालात देखो खर्च कर दे पैसा इसे भी हमें दूसरे टेम्पो तुम्हें दियो को बोली नहीं पूछे नहीं जाको ये हालात जो चल रही है ये हालात के अंदर उन्होंने बाकायदा पैसा खर्चा करना लेकिन हिसाब देना है करना है वो इंशाल्लाह बात का हिस्सा लेकिन ये हालात के अंदर जो पैसा उनका है वो खर्चा बाकायदा करना। बिल्कुल बिल्कुल कर को ना क्या है गरीब बच्चे कहाँ हैं क्या हैं गरीब लोग कहाँ हैं इसके ऊपर जात जमात का मसला नको लांद है सबको मिला को क्या देना है दे दे लेकिन हमारा तो बाकायदा में बोल को ही ये बात पूरे हमारे नौजवान मिल को मोहल्ले वाले साथ यहाँ सब मिल को शाइफ को हमें बात कर को ही खादर सेठ को भी हमें बात कर को ही लेकिन बहुत से आदमियों को हमें बात कर को ही इंशाल्लाह 10,00,000 का मसला हमारा आता है इसके अंदर जो भी आएगा उसे एक पैकेज बना को हमें पूरे मोहल्ले के अंदर बांट रमजान ये रमजान के पहले रोजे तक हमें तय कर को आदमियों को दे मेरा बोलने का हर इदारे वाले कोशिश करना लेकिन ये टेम्पो देखा नजर आपने मस्जिद अकबरी के जो जिम्मेदार की फिक्र यही है कि इस लिहाज से मैसूर सतह में जो भी कमेटियां हैं वो चाहे पुरानी हो खदीम हो या नहीं हो मतलब जो अपने अहल हैं या मजबूत हैं अपने अपने तौर पर इदारे हैं अपने अपने इलाकों में इस तरह का अगर कदम बढ़ाए तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा खुशाइन खत्म होगा ताकि हर मुस्तहक को उसका फर्द और मैं ये भी बता दूं कि कई लोगों का यह मानना है कि वक्फ का जो पैसा होता है वो गैर फर्म तक पहुंच नहीं पाता लेकिन इस रोशनी में उलमा किराम की जो भी रहबरी हो उसको शामिल करते हुए बहरहाल इस काम को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी मैं समझ सकता हूँ। मैं सफदर हैसर आसिम के साथ मैसूर न्यूज़ और मैसूर न्यूज़ के साथ।